बिजनौर के नजीबाबाद कस्बे की रहने वाली एक महिला ने अपने पति और उसके भाई और चाचा पर उसके साथ बलात्कार किए जाने का आरोप लगाया है। महिला ने नजीबाबाद थाने में पहुंचकर उसको इंसाफ दिलाए जाने की मांग की है। महिला का कहना है कि उसके पति ने शिकायत करने पर उसके और उसके परिवार के साथ मारपीट की और उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया। महिला का विवाह 1 साल पहले ही हुआ था। सुनिए महिला के लगाए गए सभी आरोप महिला की ही जुबानी। जी, मेरा नाम रूही है और मेरे शौहर के भाई और उसके चाचा ने मेरे साथ पहले तो बलात्कार किया। रोज़ का डेली यही था उनका करना। मैं अपने शौहर से कहती थी तो वो बोलते थे तेरे भाइयों को और तुझे तलाक दे दूंगा, तेरे भाइयों को मारूंगा। और मैं चुप रहती थी डेली। और मैंने एक बार घर पे आके भी कहा तो घर वालों ने बच्चे की वजह से समझा के भेज दिया। घर वालों से कहता था कि नहीं ये झूठ बोल रही है। और मेरे पास मोबाइल भी नहीं था जो मैं वीडियो बना लूं। और अब मैं 3-4 दिन से बिल्कुल चुप थी, कुछ नहीं कह रही थी उसे। तो रात में मैंने उससे बोला, मैंने कहा तुम्हारा भाई मेरे साथ गलत काम करता है, तुम मना नहीं करते कि घर की बात घर में रहने दे, किसी से मत बता। और तूने अपने घर पे बताई तो तेरे भैया की दुकान में नशे का सामान रख दूंगा और उसे ही पकड़वा दूंगा। और जब मैंने आके सुबह अपने भाई से कहा तो वो मेरे भाइयों को वहीं पर आके मारा और मुझे भी रोड पे मारा और वहीं मुझे तलाक दी सबके सामने। और मेरे बच्चे को भी सड़क पे फेंक दिया, मेरे पेट में लाते बजाए मेरे भाइयों को, मेरे पापा को दुकान पे ही मारा और पूरी दुकान का सामान तोड़ दिया। और मैं थाने में भी गई, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, कोई मेरी सुनने को तैयार नहीं है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है मेरे खिलाफ, उनके खिलाफ कोई सुनने को तैयार नहीं है। मेरा 2 महीने का बच्चा है, ऑपरेशन से उन्होंने मेरे पेट में इतनी लातें मारी हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ जैसे उन्होंने मेरे पापा की बेइज्जती करी है और मुझे सबके सामने तलाक दी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी? कोई नहीं की। आपने तलाक की तहरीर दी पुलिस को? दी। वो मेरी सुनने तक को तैयार नहीं थे, मैं पैदल भागी चली गई मगर उन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी। इतने में मेरे पापा भी और मेरे भाइयों को उन्होंने खूब मारा, पूरे घर वालों ने, वहाँ की औरतें भी थी, मर्द भी थे, सब थे, सबने बहुत मारा। क्या नाम है जिसने मारा? उनके रियाज है, इरशाद है, जावेद है, शारिक है, क्या नाम उसका, और उसके बहुत सारे चाचा हैं जिनका नाम मुझे याद भी नहीं है। सबने पूरे घर वालों ने बहुत मारा, सारी औरतें थी। कहाँ के रहने वाले हैं ये? ये मुगलुशा के रहने वाले हैं। आप कहाँ की रहने वाली हैं? जी मैं भी मुगलुशा की रहने वाली हूँ। तो आपकी शादी मुगलुशा में ही हुई? जी, अभी 1 साल हुआ है मेरी शादी को 1 तारीख में। क्या नाम है आपके शौहर का? जिशान। आपका क्या नाम है? रूही। पापा का नाम क्या आपके? मेरे पापा का नाम इकबाल है। क्या करते हैं पापा आपके? मेरे पापा कुछ काम नहीं करते, भाइयों की शॉप है कपड़े की। अच्छा, तो कपड़े शॉप पे आकर मारा उन्होंने? पूरी शॉप तोड़ दी उन्होंने और इनको तो कुछ पता भी नहीं था। दूसरा भाई मेरा हॉस्पिटल में पड़ा है। क्या नाम है इसका? शाहनवाज। उसको क्यों मारा? मैंने जो उनसे बता दिया कि मेरे साथ गलत काम कर रहे थे, इसलिए मेरे भाइयों को आके मारा। वो मेरा शौहर मुझे डराता रहता था, अगर तूने अपने भाइयों को बताया तो उन्हें मारूंगा, क्योंकि मेरे भाई मुझसे बहुत छोटे हैं, हमारे घर में कोई नहीं है, सिर्फ मेरे पापा हैं। तो आप कब से चुप रह रही थी, कब से हो रहा आपके साथ है? मैंने पहले भी रिपोर्ट कराई है इसकी, 1 साल में 2 बार हो चुकी है इसकी रिपोर्ट, मगर फिर भी फैसला हो जाता था कि जा चली जा, कुछ नहीं होगा। मैं किराए पर आके रहने लगी तो वहाँ भी मेरे साथ यही था। और मेरा शौहर रात में ये कहता रहता था तू धंधे पर चली जा, सुबह में आ जाएगा, तू तो अच्छी है देखने में, अच्छे पैसे मिलेंगे तेरे। मैं चुप रहती थी इज्जत की वजह से, क्योंकि मेरे पेट में बच्चा था। और अब मेरा बच्चा 2 महीने का हो गया तो अभी से उन्हें यही करने में शुरू कर दिया दोबारा। हेलो, मेरा नाम इकबाल है जी। अब मैं अपने बच्चे को छुटा रहा था तो मुझे मारा था। किसने मारा? इन्होंने सबने 4-5 थे, 10-12 निकल के आके मुझे दबा दब छेद दिया। कौन थे लोग? ये ससुरालिया थे इसके। अच्छा, इसका ससुराल शायद है, उसका भतीजा है, भैया है, रियाज है, उसका लड़का है, दो एक ये इसका शौहर है, सबने मुझे मारा छेती करी साहब बहुत। आपने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई इसकी? साहब लिखवाई थी, वहाँ तो कुछ अभी सुनाई नहीं हो रही, कल से हम बहुत परेशान हैं साहब। किसको दी थी एप्लीकेशन आपने? ये इंस्पेक्टर साहब हैं वो, हम उन्हें दी थी हमने तो दरख्वास्त। कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई भी सुनवाई नहीं साहब। और ऊपर से हमारे वो धमकी दे रहा कि तुम्हें हम जान से मार देंगे, तुम्हारे छोटे लड़के को भी मार देंगे, बड़े लड़के को भी मार देंगे, और बहुत परेशान कर रखा है साहब। आपके छोटे लड़के को भी मारा? जी बहुत मारा, उसके तो बहुत चोट है, वो तो अस्पताल में समझ लो वहीं है, उससे उठा भी नहीं जा रही। आज बिजनौर गए थे हम तो वहाँ से भी वो जाया नहीं गया उससे, वो घर पे ही है, अब वो अस्पताल दिखा के लाना है उसे।
मेरा नाम शदाब अहमद है जी। मोहल्ला मंगलूचा का रहने वाला हूँ। सुबह मेरी जब मैं सो रहा था मेरी बहन को वहाँ से चीखों की आवाज़ आई, वे लोग उन्हें मार रहे थे। जब हम नीचे गए तो देखा जाकर मेरे पापा को भी उन्होंने मारा काफ़ी, और मेरी बहन को वहाँ पर उन्होंने तलाक दे दी। तीन बार उन्होंने ज़ोर से बोला मैंने तुझे तलाक दी। पुलिस को आपने कार्रवाई करने के लिए कोई अपील दी? पुलिस कार्रवाई मैंने सब कुछ कर लिया, मगर हमारा कुछ हो नहीं रहा, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं है।